Yes. Good morning, fourth class. Now we start maths class. And आज हम start करेंगे quick recall. इन questions को आपको सिर्फ अपनी books में ही करना है, इनको notebooks में नहीं करना. Okay? Multiple choice questions. Question number first. First question क्या है? A fraction where numerator is less than denominator is called. जब हमारे पास numerator denominator से कम होता है या छोटा होता है तो वो फ्रैक्शन कौन सा होता है? एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन या नन ऑफ दिस? कौन सा फ्रैक्शन होता है जब न्यूमरेटर स्मॉल होता है? ऑफ कोर्स कौन सा? अ प्रॉपर फ्रैक्शन. तो हम किस पर टिक कर देंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन पे. ओके, नेक्स्ट देखिए. अ फ्रैक्शन वेयर न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू और ग्रेटर देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड. जब किसी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर या तो इक्वल हो डिनोमिनेटर के या ग्रेटर हो तो वो फ्रैक्शन कौन सा फ्रैक्शन होता है हमारे पास? एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके, क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. द करेक्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन ऑफ 37/8 इज. हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन फाइंड करना है तो मिक्स्ड फ्रैक्शन हम कैसे फाइंड करते हैं? उसको डिवाइड करके. डिवाइड करने पर मेरे पास क्या आंसर आया? 4/5/8. तो मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट देखिए. द करेक्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऑफ 3/1/7 इज. अब हमें इसको मिक्स नंबर्स को किस में चेंज करना है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में, जो हम अपने पिछली एक्सरसाइज में कर चुके हैं. 7 is 21, 21 और 1, 22, 22/7. कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? बी वाला. तो इस पर हम टिक कर देंगे. ओके, नेक्स्ट देखिए. विच वन ऑफ द फॉलोविंग इज नॉट अनलाइक फ्रैक्शन. हमें बताना है कि इनमें से कौन सा अनलाइक फ्रैक्शन नहीं है. अनलाइक फ्रैक्शंस कौन से होते हैं? जब डिनोमिनेटर किसी भी फ्रैक्शंस के ग्रुप में क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, तो वो फ्रैक्शन कौन से होते हैं? अनलाइक फ्रैक्शन. तो हमें बताना है कि अनलाइक फ्रैक्शन नहीं है, तो मतलब लाइक फ्रैक्शन पूछ रहे हैं. तो इनमें से लाइक फ्रैक्शन कौन सा है जब डिनोमिनेटर सेम है? बी ऑप्शन. इसमें डिनोमिनेटर सेम है तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी पे हम टिक कर देंगे. ओके, नेक्स्ट देखिए. विच फ्रैक्शन, विच पेयर ऑफ द फॉलोविंग इज एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताना है 5/15 and 1/3. अब इसमें देखें, 5 को अगर मैं 5 से ही डिवाइड करूँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, क्या आंसर आएगा? 1/3. तो ये 1/3 ही आ रहे हैं, तो मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है ये इसका. 5/15 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 1/3 है, तो हम किस पर टिक कर देंगे? ए ऑप्शन पे. यस, नेक्स्ट देखिए. विच वन ऑफ द फॉलोविंग इज ट्रू. हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ग्रेटर देन का जो साइन है वो सही लगा हुआ है. तो हम क्या करेंगे? इनको पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे. मैंने कर दिया 8/3 और 7/4. और फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई वाले मेथड से इसको फाइंड कर लेंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा. क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 8 × 4 क्या आ गया? 32. 7 × 3 = 21. तो ग्रेटर कौन सा हो गया? 32. तो फ्रैक्शन भी कौन सा ग्रेटर हो जाएगा? 2/3. क्लियर है? तो हम ऑप्शन नंबर ए पर टिक कर देंगे. ओके, नेक्स्ट देखिए. विच वन ऑफ द पेयर ऑफ द फॉलोविंग इज इन द असेंडिंग ऑर्डर. हमें इनको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है. असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? स्मॉल टू बिग. तो हमें स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन फाइंड करना है. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इनमें सब में सेम है, न्यूमरेटर डिफरेंट है. हम देखिए, जिसका न्यूमरेटर स्मॉल होता है वो पूरा फ्रैक्शन भी क्या होता है? स्मॉल होता है. तो 1/3, फिर 2/3, फिर 4/3 और 5/3. क्लियर है? तो हमारे पास कौन सा फ्रैक्शन सबसे मतलब सही ऑर्डर में है? ए वाला ऑप्शन. तो ए पर हम टिक कर देंगे. ओके, नेक्स्ट देखिए. द सम ऑफ 4/7 and 2/5/7 इज. हमें इनका सम करना है. ये मेरे पास मिक्स्ड नंबर्स में है, इसको हम इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे. इम्प्रॉपर में चेंज करने पर क्या आ जाएगा? 7 × 14, 14 + 5 = 19, 19/7 और 4/7 हाई. हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है तो हम इनको डायरेक्ट एज इट इज़ ऐड कर देंगे. 19 + 4 = 23, 23/7. ओके, तो इसको हमने डिवाइड किया तो क्या आंसर आ गया? 3/2/7. तो जहाँ भी
3/2/7 लिखा है, उस पर हम टिक कर देंगे। क्लियर है सबको? यस। अब देखिए हमारे इसी के साथ ही एक्सरसाइज 14 कंप्लीट। हमने एक्सरसाइज 14 कंप्लीट कर ली है, आज सिर्फ ये क्विक रिकॉल क्वेश्चंस करवाए हैं। हम इसी के साथ ही इसी वीडियो में अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज भी स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या एक्सरसाइज है, यूनिट 5 टाइम एंड मनी। एक्सरसाइज 15 क्या है, क्लॉक एंड कैलेंडर। हमने क्लॉक एंड कैलेंडर देखना है। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि हम क्लॉक को कैसे पढ़ सकते हैं। टाइम देखना सबको आता है, लेकिन आई होप बहुत कम स्टूडेंट्स को होगा जिनको आता होगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको टाइम देखना नहीं आता है वॉच में। ओके, तो आज हम उस वही सीखेंगे कि क्लॉक के अंदर टाइम किस तरह से देखा जाता है। क्लियर है सबको? यस। अब हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि एक वन डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स, और वन आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स, और वन मिनट्स में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स। ओके, क्लियर है सबको? हम देखिए हम स्टार्ट करते हैं। अब ये देखिए ये वॉच बनी हुई है, इसमें देखिए जो ये 1, 2, 3 ये लिखे हुए हैं, ये अगर हमें मिनट्स फाइंड करने हैं तो हम क्या करेंगे, 5 का टेबल स्टार्ट करते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 35, 40, 45, 50, 55, 60। जब ये एक निडल अपना पूरा राउंड कंप्लीट कर लेती है तो क्या हो जाता है, 1 आवर कंप्लीट हो जाता है। ओके, अब इस वॉच में देखें जो आपको, वैसे अगर हम ओरिजिनल वॉच देखते हैं तो उसमें क्या होता है, एक स्मॉल निडल होती है और एक बिग निडल होती है। तो जो स्मॉल निडल होती है वो किसको शो करती है, आवर्स वाले टाइम को। स्मॉल निडल किसको शो करेगी, आवर्स वाले टाइम को, और जो बिग निडल होगी वो किसको शो करती है, मिनट्स वाले टाइम को। ओके, लेकिन आपकी बुक में क्या क्या हुआ है, जो आवर्स वाली निडल है उसको तो थोड़ा पतला किया हुआ है, और जो मिनट्स वाली निडल है उसको थोड़ा मोटा मतलब डार्क किया हुआ है। क्लियर है सबको? तो हमें इसी से ही टाइम निकालना है। अब देखिए इस वॉच में अगर हम देखते हैं तो क्या टाइम हुआ है, अभी 2:22 हो रहे हैं, मतलब 2 आवर्स 22 मिनट्स, 20, 21, 22 पे आ रही है ये। हाँ जी, तो क्या टाइम हो रहा है, 2 आवर्स 22 मिनट्स। तो इसको हम वर्ड्स में अगर लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, मिनट्स को पहले लिखते हैं और पास्ट, और फिर उस आवर्स को लिखते हैं। देखिए जैसे ये लिखा हुआ है 22 मिनट्स पास 2, मतलब 2 बजने के बाद 22 मिनट्स ऊपर हो गए हैं, ज़्यादा हो गए हैं। क्लियर है सबको? यस। जब देखिए क्लियर है सबको? नेक्स्ट देखिए इसमें क्या टाइम हो रहा है, अभी 3 कंप्लीट नहीं हुए हैं, मतलब 2:45 यहाँ पे, 46, 47, 48 पर है, 2 आवर्स 48 मिनट्स। तो इसको हम कैसे वर्ड्स में लिखेंगे, अब देखिए इसमें हमारे पास 3 पूरे ही होने वाले हैं, मतलब 3 बजने वाले हैं, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 12 मिनट्स टू 3, क्या लिखेंगे, 12 मिनट्स टू 3, मतलब 3 बजने में अभी 12 मिनट्स कम है। ओके, अब नेक्स्ट देखिए जैसे 1:15 हुए हैं, मतलब 1 आवर्स 15 मिनट्स। जैसे घर पे नॉर्मल लैंग्वेज में तो हम इसको क्या बोलते हैं, 1:15, 1:15, इस तरह बोलते हैं, लेकिन अगर इसको हमें वर्ड्स में सही बोले तो इंग्लिश में बोलना हो तो क्या बोलते हैं, 1:15, मतलब 1 में 15 मिनट्स ऊपर हो गए हैं। जैसे ही हम क्वार्टर वर्ड यूज़ करते हैं तो उसका मीनिंग क्या है कि 15 मिनट्स हुए हैं, चाहे कोई भी टाइम है 15 मिनट्स ऊपर हुए हैं, 1:15। ओके, और 1:30, जैसे 1 आवर्स 30 मिनट्स हैं तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1:30। 30 मिनट्स का मतलब क्या है, 60 का पूरा आवर हो जाता है, 30 मिनट्स का हाफ हो गया, तो क्या हो गया, 1:30। क्लियर है सबको? नेक्स्ट देखिए 1 आवर 45 मिनट्स, मतलब 2, अब हम 2 के नियर अबाउट हैं, 2 बजने ही वाले हैं, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1:45, मतलब 2 अभी 2 बजने में कितने मिनट्स कम है, 15 मिनट्स। क्लियर है? तो हमें आपकी एक्सरसाइज देखते हैं, हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस इसी तरह से ही हैं।
आपको एक्सरसाइज 15.1 में क्वेश्चंस टाइम बताना है और उनको वर्ड्स में लिखना है. ओके, तो 15.1 आपको अपनी बुक में ही करनी है, इसको नोटबुक में नहीं करना. तो देखिए, सेकंड क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन किया हुआ है, आप सेकंड क्वेश्चन देखिए. अब इसमें पहले ये बताइए कि स्मॉल निडल कौन सी है, ये वाली, और बिग निडल ये रही. तो स्मॉल मतलब अभी 2 नहीं बचे, 1 है, 1 और 2 के बीच में है 1. कितने मिनट्स हुए, 7 पर है, 5 7 जा 35, 1 मिनट, 1 आवर्स 35 सेकंड्स, सॉरी 1 मिनट, 1 आवर 35 मिनट्स हुए हैं. ओके, सॉरी फोर्थ क्लास, 1 आवर 35 मिनट्स हुए हैं. तो इसको अगर हमें वर्ड्स में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, 35 मिनट्स पास्ट 1. ओके, यही लिखेंगे, 35 मिनट्स पास्ट 1. अब नेक्स्ट देखिए, अब इसमें क्या टाइम हुआ है, स्मॉल निडल 12 पर है और बड़ी निडल 3 पर है. तो ये 12 है, 12 पूरे हैं, और ये तो 3, मतलब 5 3 15, क्या टाइम हुआ है, 12 15 हुए हैं. और अभी मैंने आपको बताया कि जब 15 होते हैं तो हम इसको क्या लिखते हैं, क्वार्टर पास्ट 12. हम इसको क्या लिखेंगे वर्ड्स में, क्वार्टर पास्ट 12. क्लियर है सबको? नेक्स्ट देखिए, अब इस वॉच में क्या टाइम हुआ है, 6 10 पर है, तो 50 हुए हैं, 6 आवर 50 मिनट्स. तो हम इसको क्या लिखेंगे, ये 7 के नियर अबाउट है, मतलब 7 अभी बजने ही वाले हैं, तो हम क्या लिखेंगे, 10 मिनट्स टू 7. ठीक है, 10 मिनट्स टू 7, मतलब 7 बजने में अभी 10 मिनट्स कम है. क्लियर है सबको? इसी तरह से हमें सभी लिखने हैं. अब ये देखिए, इसमें क्या टाइम हुआ है, अभी 4 पूरे नहीं हुए हैं, यहाँ पर 9 पर है, तो 9 5 45, मतलब 3:45, 3 आवर्स 45 मिनट्स. तो ये इसको हम वर्ड्स में क्या लिखेंगे, 45 में भी मैंने आपको बताया था कि 15 मिनट्स अभी 4 बजने में कम है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, क्वार्टर टू 4. ओके, क्लियर है सबको? अब आप अपनी बुक में 15 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन सभी को आप अपनी बुक्स में ही करोगे और इनको चेक करके आप मुझे सबमिट करवाओगे असाइनमेंट में. ओके फोर्थ क्लास, नाउ थैंक यू क्लास.